मेरे दादाजी कहते थे कि आने वाली परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कुछ दमदार फोन जो कि दिसंबर में लॉन्च होने वाले हैं, ताकि आप भी फोन आने से पहले पैसे लेकर तैयार रहो। शुरू करें। देखो, मैं उन फोन्स की बात ही नहीं करूंगा जो कि चाइना, जापान या फलाना ढिमकाना जगह पे लॉन्च होने वाले हैं। इंडिया में क्या आएगा सिर्फ वो बताऊंगा, क्योंकि ना तो आप चाइना फोन खरीदने जा रहे हो, ना ही चाइना वाले आपको कोरोना देने आ रहे हैं। अबे साले। तो इंडिया में वीवो के फोन और अरिजीत सर के गाने अलग ही लेवल पे फेमस है। एक से दर्दनाक सिंगिंग कोई कर नहीं सकता। हाँ, आजकल कुछ नए लोग ट्राई जरूर कर रहे हैं, और दूसरे से खतरनाक फोटोज कोई नहीं ले सकता। अब फोन की बात करूं तो इंडिया में 12 दिसंबर को वीवो X200 एंड 200 प्रो लॉन्च होने वाला है। वैसे X200 मिनी भी एक फोन था, बट वो क्या है ना, इंडिया में छोटी चीजों की इज्जत नहीं है, ये सब सिर्फ चाइना और जापान में ही चलता है। बाकी दोनों ही फोन में 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 का प्रोसेसर विद 12 GB रैम एंड 256 GB की UFS 4.0 स्टोरेज। बट कैमराज में थोड़ा बहुत भेद भाव है, क्योंकि X200 का पेरिस्कोप सेंसर सिर्फ 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन X200 प्रो में जो पेरिस्कोप सेंसर मिलता है ना, वो है 200 मेगापिक्सल का। भाई जादू का स्पेसशिप दिखेगा इससे। बैटरी में भी थोड़ा सा भेदभाव किया गया है, ताकि नॉर्मल और प्रो में फर्क बना रहे। X200 में 5800 mAh की बैटरी मिलती है, बट X200 प्रो में 6000 mAh की। दोनों में ही 90 वॉट की वायर चार्जिंग मिलती है, बट 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सिर्फ प्रो वाले में ही मिलती है। अब प्रो है तो प्रो वाले फीचर्स तो मिलेंगे ही, और पैसे भी प्रो ही लेंगे, क्योंकि X200 की प्राइस समवेयर अराउंड 55,000 to 60,000 होने वाली है, बट प्रो वाला इससे 10,000 to 15,000 महंगा होगा, क्योंकि पिछले साल X100 प्रो के साथ भी यही हुआ था। इन्होंने परंपरा अनुशासन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। फोन तगड़ा दिखने से ज्यादा होना जरूरी है, तभी तो मजा आएगा। और असली मजा तो 3 दिसंबर को आने वाला है, जब iQOO 13 इंडिया में लॉन्च होगा। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, 3 दिसंबर को मेरे एकदम गले ही मत पड़ जाना कि भाई लॉन्च क्यों नहीं हुआ। होगा। अब iQOO का फ्लैगशिप है तो स्पेक्स भी फ्लैगशिप वाले ही होंगे। स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर, 144 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले, 50+50+50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, वैसे OIS एक में ही है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी विद 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग, और iQOO वाले वायरलेस चार्जिंग जैसे बकवास फीचर्स नहीं देते, उससे ज्यादा हॉट एप्स हॉट गेम्स जरूरी है भाई। मोटोरोला अपडेट देने में भले ही रुला देती है, बट फोन इनके जबरदस्त होते हैं, और वैसा ही एक तगड़ा फोन लॉन्च होने वाला है 10 दिसंबर को, एक्सपेक्टेड है बट दिसंबर में ही होगा। अब क्योंकि एक बजट फोन होने वाला है जिसकी प्राइस अराउंड 15,000 होगी, तो स्पेक्स भी उसी हिसाब से दिए हुए हैं। 120 हर्ट्ज की LCD डिस्प्ले, वैसे एमोलेड होनी चाहिए थी। खैर कैमरास में कमी नहीं है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दिया हुआ है। नहीं तो आजकल ब्रांड्स वाले ऊपर से तो 4 सेंसर दिखाएंगे, बट ओपन करने के बाद। प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक नहीं, बल्कि यूनिसॉक का कोई T760 प्रोसेसर दिया हुआ है। साफ शब्दों में बताऊं तो परफॉर्मेंस नॉर्मल होने वाली है, और लंबी गेमिंग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो। बट अच्छी बात यह है कि इसमें 4K वीडियोस लेने का ऑप्शन भी मिलता है। अब एक्चुअल क्वालिटी 4K है या फिर 480p, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, पहले से ढिंडोरा नहीं पीटने वाला मैं। एक जमाना था जब लोग इनके फोन्स को लेने के लिए 12 बजे तक वेट करते थे, गया वो जमाना। मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note सीरीज की, जिसकी 14th जनरेशन 9 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है। एक दो दिन आगे पीछे रख लो, बट होगा जरूर। स्पेक्स की बात करूं तो इस सीरीज के तीनों ही फोन्स में 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले दी हुई है, बट परफॉर्मेंस में फर्क होने वाला है, क्योंकि प्रोसेसर अलग अलग है। नोट 14 में डायमेंसिटी 7025 अल्ट्रा मिलने वाला है, बट 14 प्रो में 7300 अल्ट्रा एंड 14 प्रो प्लस में डायमेंसिटी की जगह स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 लगा दिया गया है। अब ये अलग अलग प्रोसेसर का जो सीन है ना, उसका रीजन है इसकी प्राइस, क्योंकि Redmi Note सीरीज के जो फोन होते हैं वो 20 से लेकर के 30,000 तक आते हैं। कुछ दिन और रुक जाओ, 40,000 का भी आएगा। साला इन्फ्लेशन अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। खैर बैटरी डिपार्टमेंट तीनों का ही तगड़ा है। नोट 14 में 5110 mAh की बैटरी मिलती है विद 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 14 प्रो में 5500 mAh की बैटरी विद 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग, एंड 14 प्रो प्लस में 6200 mAh की बैटरी मिलने वाली है विद 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग। सब कुछ ठीक है, बट Redmi वालों ने बेस नोट 14 के साथ थोड़ा अन्याय किया है। पहले तो प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर कमजोर दे दिया गया, जिसकी वजह से आप इसमें 4K वीडियोस नहीं ले पाओगे, ऐसा GSM Arena का कहना है। उसके बाद पीछे से अल्ट्रा वाइड कैमरा भी गायब कर दिया है। 20,000 लगाकर सिंगल कैमरा वाला फोन लेने के बाद पता है दिमाग में क्या ख्याल आता है? हम तो चूतिए हैं। मेरे करण अर्जुन आएंगे? हाँ, मेरे रेडमी रियलमी आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि सालों से रेडमी की नोट सीरीज और रियलमी की नंबर सीरीज में घमासान युद्ध होता आ रहा है। आगे भी होता रहे, उनका भी धंधा चलता रहेगा और हमारा भी, मतलब हम भी आपको वीडियोस बना के दिखाएंगे। स्पेक्स की बात करूं तो बिल्कुल रेडमी की कॉपी हुई है। बेस वेरिएंट में डायमेंसिटी 7025 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर और प्रो वाले में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिलता है। कैमराज में भी सेम ही सीन है, बेस वाले में डबल और प्रो वाले में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। अब फोटोज कैसे आएंगे वो तो फोन आने के बाद ही पता चलेगा, बट टेंशन मत लो, दोनों में ही गोरा दिखोगे।
बाकी बैटरी भी 6000 mAh की मिलने वाली है। फास्ट चार्जिंग तो ये लोग 5 साल पहले से ही दे रहे हैं, टेंशन मत लो आधे घंटे में फुल हो जाएगा। ये तो थे दिसंबर वाले फोन्स। अब कुछ ऐसे फोन्स जो कि दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के बिगनिंग में लॉन्च होंगे, लेकिन होंगे जरूर। फ्लैगशिप तो Xiaomi की जो फ्लैगशिप सीरीज होती है ना, वो साल में 3 बार लॉन्च होती है 6 फोन्स के साथ। Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 CV, 14 BV। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। भाई करना क्या चाहते हो बताना जरा। हम पागल हैं पागल। खैर स्पेक्स की बात करूं तो फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 Elite का प्रोसेसर, IP68 की रेटिंग, 120 Hz की 1.5 के AMOLED डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और सारे ही कैमरा सेंसर्स काम के हैं। सुन रहे हो ना Realme? तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? बैटरी डिपार्टमेंट में तो वैसे भी Xiaomi अच्छा ही होता है। बेस वाले में 5400 mAh की बैटरी और प्रो वाले में 6100 mAh की। और क्या चाहिए, 2 दिन आराम से निकल जाएगा। वैसे गेमर्स की बात नहीं कर रहा मैं। डर गया। क्या ही बोलूं, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, गजब बेइज्जती है। मतलब OnePlus का रिकॉर्ड ही इतना खराब हो गया कि फोन्स तो छोड़ो, इनकी चाय पत्ती की चाय भी ना पीऊं मैं। क्या इतना बुरा। खैर स्पेक्स की बात करूं तो फ्लैगशिप फोन है तो फ्लैगशिप प्रोसेसर भी मिलता है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 6000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग तो मिलेगी ही, ना मिले तो अनफॉलो कर देना। IP68 की डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन एंड 6.8 इंचेस की बड़ी सी 2K AMOLED डिस्प्ले जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब मेरे हिसाब से इसको दिसंबर के एंड में लॉन्च हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर अगले साल आएगा। अब वैसे तो मैं लाइट वाली गेमिंग फोन्स का उतना बड़ा दीवाना नहीं हूँ, क्योंकि गेमिंग आईको में भी उतनी तगड़ी होती है। जिसको खेलना नहीं आता वो उंगलियों में पाउडर ही लगाते रह जाते हैं। अब इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, बट मेरे हिसाब से ये नए साल में आएगा, क्योंकि इसकी पिछली जनरेशन भी जनवरी की सेकंड वीक में लॉन्च हुई थी। अब गेमिंग फोन है तो बिल्कुल लाइट वाइटें लगी हुई है, छोटे फोन में कम लाइट है और बड़े वाले में ज्यादा। बाकी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन, प्रोसेसर, बैटरी, चार्जिंग सब कुछ में बिल्कुल चिंकी मिंकी वाला सीन है। बस एक मेन डिफरेंस मुझे ये लगा कि छोटे वाले में 2 ही कैमरास मिलते हैं, बट बड़े वाले को प्रॉपर ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया हुआ है। इतने पैसे लेने के बाद भी भेदभाव, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये थे वो फोन जो कि दिसंबर में लॉन्च होंगे गारंटी के साथ। हाँ हो सकता है कुछ जनवरी में भी हो, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो पैसे जुगाड़ करके रख लो अगर फोन लेना है तो, नहीं तो मेरा काम है वीडियो बनाना और आपका काम है सब्सक्राइब करना। करोगे ना, लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर कस्टमर केयर की हरकतों से अनजान हो तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि इस रियलमी फोन को क्यों लेना चाहिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम, पीस आउट।